Hey everyone, welcome back to your channel D Pharmacy Note. This video is D Pharma first year student. ये subject है social pharmacy. तो चलिए इसके 20 multiple choice questions को solve करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful हैं. तो देखिए first question क्या लिखा हुआ. Which one of these are not mental disease? करेक्ट आंसर दिख रहा है अरिथमा इज अ नॉट. अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं. वेजाइनल स्वैब मींस अ फैमिली प्लानिंग बिलोंग टू. तो ये फिजिकल मेथड भी यूज होता है. ओके नेक्स्ट मलाडी ओरल पील्स कंटेन ओजेस्ट्रोन एंड प्रोजेस्टेरोन. ठीक है तो करेक्ट आंसर ये है इसका. और ये देखिए ये तो ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट देख लेना ही आपके लिए ज्यादा सही रहे. सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला है सेंट्रोक्रोमेन. ओके फर्स्ट नंबर आइए देखते हैं. विच वन ऑफ दीज आर रॉड शेप माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर है वेसलीज. ठीक है सिक्स नंबर में पूछा गया है स्पाइरोकेटल्स इज आ. तो कैसा होता है रॉड शेप में होता है या स्पाइरल शेप में. तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला है स्पाइरल शेप. ठीक है सेवन नंबर देखिए वॉटर बोर्न डिसीज. तो क्या है वॉटर बोर्न डिसीज. ट्यूबरक्लोसिस मतलब खांसी. ठीक है मलेरिया या इन्फ्लुएंजा. तो इसका करेक्ट आंसर है कॉलरा. ठीक है जब वॉटर बोर्न हो जाता है तो कौन सी डिसीज होती है कॉलरा. ठीक है डस्ट बोर्न डिसीज इज डस्ट की वजह से कौन सी बीमारी होती है. यहाँ पे देखिए डायरिया थायराइड अरिथमा या ट्यूबरक्लोसिस. तो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है डस्ट गंदगी की वजह से ही खांसियां आने लगती हैं जिसे ट्यूबरक्लोसिस हैज अ रोग हो जाता है जिसे हिंदी में टीबी बोलते हैं. ठीक है टीबी. अब आइए नाइन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. द डिसीज वार्पिंग कफ इज कॉज बाई. करेक्ट आंसर बी वाला है बॉर्डेटिल्स पर्ट्यूसिस. ओके टेन नंबर देखिए द इन डिप्थेरिया द कॉजेटिव एजेंट अफेक्ट करता है. तो इसका करेक्ट आंसर है किसको अफेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को. डिप्थेरिया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को. ठीक है इलेवन नंबर देखिए अ प्रोटोजोअल डिसीज. तो प्रोटोजोअल डिसीज कौन सी है मलेरिया. ओके ट्वेल्व नंबर देखिए द कॉजेटिव एजेंट फॉर फाइलेरियासिस. इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर व्यूशेरिया वेनक्राफ्टी. ओके थर्टीन नंबर देखिए द कैरियर ऑफ रैबिस. तो इसका करेक्ट आंसर रैबिस किसके काटने से बाइट करने से होता है. तो डॉग जब बाइट कर लेता है तो उससे रैबिस इन्फेक्शन फैलता है. ठीक है अब आइए 14 नंबर देखते हैं. द डिसीज दैट अफेक्ट द इम्यूनिटी सिस्टम. तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को कौन अफेक्ट करता है एड्स. ओके एलिस टेस्ट इज यूज डायग्नोसिस एड्स. ठीक है अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 16 नंबर आपके काम का नहीं है. 17 नंबर में कहा जा रहा है लीवर स्ट्रॉन्ग ग्लूकोज एस. तो इसका करेक्ट आंसर है बी ग्लाइकोजन. ओके 19 नंबर सॉरी 18 नंबर रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट इज स्टार्च. स्टार्च को प्लांट्स क्या करते हैं रिजर्व फूड के तौर पे रखते हैं. ठीक है 19 नंबर प्रोटीन एंजाइम इन्फ्लामेटरी कॉज. तो इसका करेक्ट आंसर है मैराशीलियस. ओके 20 नंबर द एग्जांपल ऑफ अनस्टैंडर्ड फैटी एसिड. तो इसका ऑलिक एसिड करेक्ट आंसर है. ठीक है तो आई होप आपको ये पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस हेल्पफुल समझ में आ गए होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगर ऐसे ही और एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए. और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू टेक केयर आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो.